तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। लॉकडाउन का मजा ले रहे होंगे सब लोग। तो अभी जैसा कि तुम सबको पता ही है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब तो चल रहा है ऑल ओवर। कैरी भाई ने जो मचाया है, माँ कसम क्या ही मचा दिया भाई। एकदम जो टिकटॉकर्स को समझाया है ना, वैसा समझाना उसको कहते हैं कि ये होती है बात। हाँ, वैसे मैं भी पर्सनली यही कहूंगा कि ना यार, मुझे भी पर्सनली यार टिकटॉक से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टिकटॉकर से प्रॉब्लम है। इस लॉकडाउन में क्या हो रहा है ना, दो ही चीजें मुझे जहां तक पर्सनली लग रहा है बढ़ रही है। एक है मेरे सर के बाल और एक टिकटॉकर्स की वीडियोस। काम है नहीं, कंटेंट चाहिए नहीं। कंटेंट को कंटेंट से याद आया, कंटेंट एक भाई थे कैरी भाई ने जिन्हें होस्ट किया, वो कहते कंटेंट बात कर रहे थे। वो मुझे ये बता दे कोई यार, क्या कंटेंट होता है टिकटॉकर्स के पास? ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई भी टिकटॉकर कंटेंट नहीं बनाता, कंटेंटेड वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन यार बनाते हैं, ठीक है, समझ आता है। लेकिन 99% मैं बोलूं, चलो 98, ठीक है 98 भी बोल देता हूँ, मतलब कंटेंट क्या ही चाहिए उनको, मुझे नहीं पता। किसी की वीडियो को कॉपी करके अपने लिपसिन करना, सिंक करना, उसके साथ कंटेंट नहीं कहा जाता यार उसे। वाइलेस जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, हम शूट कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन ही सिर्फ भाई तुम सबको बताता हूँ, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मुझे 15 डेज, हाँ 13-14 डेज अप्रॉक्स लगे इसकी प्रिपरेशन करने में, सारा मटेरियल रेडी करने में, क्या क्या बोलना है, क्या कंटेंट रहेगा, ठीक है, ये सब रेडी करने के लिए हमें टाइम लगा। तो मुझे नहीं पता बाकी अगर कोई अच्छा यूट्यूबर भी होगा अच्छे प्लेटफॉर्म का, उसको भी 5-6 दिन लगते होंगे, 2-3 दिन तो एटलीस्ट लगते होंगे कंटेंट रेडी करने में, लिखने में। बिल्कुल। तो टिकटॉकर्स को मुझे नहीं लगता, वो तो दिन दिन में 4-4 वीडियो शूट भी कर लेते हैं, तो पता नहीं क्या ही कंटेंट चल रहा है। एक चीज बोल के 4 चीजें गिनाते हैं, यूट्यूब। तो ठीक है, अब हम आज के वीडियो शुरू करते हैं। अब आप टिकटॉक के ऊपर आप ज्यादा खींचे मत, हमारा वो अभी है नहीं, तो हम आगे की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो कंटेंट था आज का, यही मैं आपको समझाने को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, बाकी समझ गए होंगे मैं किसकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो आज का जो कंटेंट रहेगा अपना, जो हमने सोचा था, वो हम कंपैरिजन वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आपको भी अगर किसी भी दो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी गाड़ी हो या बाइक्स हो या कोई भी नई मार्केट में लॉन्च होती है कोई भी चीज़ हमारे चैनल से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके बारे में तुम्हें कंपैरिजन चाहिए होगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, हम ज़रूर उसके बारे में आपको एक अच्छा रिव्यू भी देंगे और उसकी स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे। थोड़ा रिसर्च करने में टाइम लगेगा उसके बारे में भी, लेकिन हाँ वही देर है पर अंधेर नहीं, हमारा भी वैसे ही चलता है। तो अभी आज का जो है स्टार्ट करते हैं। तो भाई तुम बता दो तुम्हारी फेवरेट बाइक्स का कंपैरिजन करते चलो, ठीक है, बाइक्स के बारे में बता दो, बाइक कौन सी फेवरेट है? ऑलमोस्ट 400 बता रहा हूँ। हाँ, मेरी जो फेवरेट बाइक है, नहीं नहीं, मैं अभी जैसे हमारी जो बजट रेंज में कहते हैं, जो 400 सीसी की रेंज में जो मेरी फेवरेट बाइक है, जो मैं मतलब पर्सनली अगर मैं चाहूँ तो मैं वो खरीदना चाहूंगा, एंड वो है RC 390 KTM, क्योंकि जो KTM RC 390, ये जो बाइक है ना, इसमें एक एड्रेनलिन रश मिलता है ना, जो वो अलग लेवल का है, क्योंकि भाई तो भाई आप अभी अलग बोलो, फिर SS 400 से रिलेटेड, SS 400 के बारे में आपने शायद अपडेटेड नहीं हो, आप पल्सर SS 400 मानता हूँ अभी लॉन्च नहीं हुई है मार्केट में, लेकिन आप शायद बेखबर हो, आपने उसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, रिसर्च नहीं करी है। तो मैं आपके ना डाउट्स क्लियर कर देता हूँ SS 400 के से रिलेटेड जितने भी है। डिस्प्लेसमेंट बता दो भाई कितना है? डिस्प्लेसमेंट है भाई उसका 373.3 cc, ठीक है, और आप क्या जानना चाहते हो, आप पूछते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। हाँ तो मैं भी क्लियर कर देता हूँ, 373.2 cc जो पल्सर SS 400 है उसमें भी सेम ही है, और ये दोनों ही बाइक्स जो है 373 cc के सेगमेंट में आ रही है, मतलब मार्केट में तो 400 cc बोला जाता है, तो सेम सेगमेंट में आ रही है। और बता देता हूँ, चलो आपसे जानता हूँ, बताऊँ क्या आप? देखिए जैसे जो मेरी फेवरेट बाइक है उसके अंदर लिक्विड कूल्ड इंजन है, ठीक है,
सिंगल सिलेंडर है, हाँ सिंगल सिलेंडर है, फोर वेल्व एंड क्या बोलते हैं ट्रिपल स्पार्क है, फोर स्ट्रोक। अब आप बताएं क्या आपकी बाइक में वो होगा? ये सेम फीचर्स है मेरे पास भी, मैं इससे पीछे नहीं हूँ अभी। ठीक है, आपको टाइम लगेगा। हमारी बाइक का, हमारी बाइक का जो हॉर्स पावर है वो है 43.5 BHP। ओके 43.5, हाँ इस चीज में KTM थोड़ा पर एट 9000 RPM। हाँ 9000 RPM पे मेरा भी 7 SS 400 जो है उसका भी सेम है 9000 RPM पे, और जो इसका टॉर्क है, मैं टॉर्क की बात करता हूँ, वो है 33 to 35 Nm 6500 RPM पे। ठीक है, अभी इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, तो लॉन्च होगी तो क्लैरिफाई हो जाएगी काफ़ी सारी चीज़, अभी मैं कुछ क्लैरिफाई तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 33 to 35 Nm एट 6500 RPM पे ये प्रोड्यूस करेगी। और जब टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना तो पिकअप में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। आपकी गाड़ी जब आप सिक्स गियर लगाते हो ना तो तब आपका टॉर्क जो होता है ना वो आपका आगे निकलने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप इसका कंपैरिजन आप साथ में इनका कंपैरिजन करेंगे, छह गियर है भाई, छह गियर है एकदम सब में वो, क्योंकि यार जो बजाज और KTM ने जो ये अपना एक कोलैबोरेशन में इंजन दिया है तो उन लोगों ने सेम ही बनाया, जैसे अभी अपनी RC 200 और जो हमारी RS 200 थी लगभग एक जैसी ही थी वो भाई, बस उसका हॉर्स पावर एंड जैसे हमारा टॉर्क था वो भी कम था, तो वैसे ही शायद इसमें भी थोड़ी बहुत तो होगी क्योंकि इंडियन मार्केट है, थोड़ा सेम टू सेम नहीं जा सकता, वही चीज है, उस हिसाब से ही इन्होंने ये बाइक बनाई। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक और चीज जानकारी लेना चाहूंगा तुमसे, ये बता दो तुम्हारा जो टैंक है, फ्यूल टैंक, वो कितने लीटर कैपेसिटी का है उसका? 9.5 लीटर। ये यहाँ पे हम आगे निकल जाते हैं, हमारे में 12 लीटर की कैपेसिटी है, तो हम जो होंगे मतलब जो भी SS 400 लेंगे 12 लीटर इज एनफ, मैं तो सोचता हूँ सफिशिएंट है लॉन्ग राइड्स, लॉन्ग राइड्स के लिए कोई प्रेफर नहीं करेगा, लेकिन हाँ इतना सही रहेगा, 12 लीटर एनफ है, ज्यादा जल्दी रिफ्यूलिंग कराने की नीड नहीं होगी। अब फ्रंट पैनल की बात करते हैं, फ्रंट पैनल में मुझे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल गेज, ये सब मिलता है। तो भाई सेम टू सेम उसमें भी है, सब कुछ है उसमें, बस ABS का हमारे पास एक थोड़ा सा अलग इंडिकेशन वाला, वो एक ABS इंडिकेटर, ABS लाइट जिसको बोलते हैं, वो भी हमें मिलती है। ओके, इंजन सर्विस वाली शायद वो भी एक लाइट आती है। वो तो सही है, बट मैं ये कहूँगा कि अभी जैसा कि लॉन्च नहीं हुई है मार्केट में बाइक, आप भी जानते हो, तो अभी जितने भी मेरी रिसर्च है, मैंने खुद पता किया, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो पाया उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है, तो माइट भी फ्यूचर में जब ये लॉन्च हो तो ABS लाइट डेफिनेटली होगी, क्योंकि इसका जो छोटा भाई है RS 200 उसमें भी ABS लाइट आती है। ठीक है, तो गियर शिफ्ट लाइट भी तो हो सकता है उसमें मिल जाए। तो व्हाट अबाउट सस्पेंशन? सस्पेंशन में मेरे पास बैक में जो रियर में होगा वो मोनोशॉक है, सिंगल मोनोशॉक, और जो फ्रंट में रहेगा वो है टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे, जो काफी अच्छा रहता है, 390, तो ये बहुत सही फीचर मुझे पर्सनली लगा, कंफर्ट के लिए भी है, और अगर देखा जाए तो इसमें फ्यूल इग्निशन इंजन है। ठीक है, वो भी सही है, हालांकि उसकी मेंटेनेंस आई जाती है, लेकिन तो आजकल ये FI इंजेक्टेड सिस्टम है ना, फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम, इससे काफी ज्यादा काफी हद तक एक चीज है जो गाड़ी की जो एवरेज है उसमें फर्क पड़ता है, और जैसे अभी आजकल ये तो BS6 मॉडल है, ऑब्वियसली इसका शायद अच्छा ही होगा, शायद अभी देखा जाए तो अगर जो नई लॉन्च हो रही है उसका जो एवरेज, जैसे हम लोग इंडियन है, हम लोग तो पहले एक ही सवाल पूछते हैं, भाई ये कितना देती है, हमारा तो यही रहता है कितना देती है, भाई 25 से 30 किलोमीटर बस, 25 से 30 किलोमीटर की अभी मेरे पास भी इनको यही है, 25 से 30 किलोमीटर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 22-24 तक इसकी
अंदर सिटी राइड्स होगी और हाईवे राइड्स ऑलमोस्ट 28 के आसपास जा सकती है। तो अभी जो कंपनी एजम्पशन दे रही है वो 25-30 दे रही है, तो मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ 28 तक मैक्स, अगर कोई अच्छा ड्राइवर होगा अच्छे से राइड करेगा तो 28 आई थिंक। हेलो, होप फॉर द बेस्ट, थोड़ा अच्छा ही मिले हमें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि SS 400 पे सबकी नज़र है, RS 200 के बाद जितनों ने भी RS 200 देखी सबका, हाँ उस टाइम से ही पता चल गया था कि SS 400 आने वाली है, जो इसका एक बड़ा भाई है वो लॉन्च होगा मार्केट में। तो काफ़ी सब, हालांकि जो इसके जो इसका वॉक अराउंड है जैसा मैंने देखा है ऑनलाइन चेक करा है, तो उस पर मुझे तो ऑलमोस्ट क्या कहूँ 99% ये बाइक ना RS 200 जैसी दिखने में, सब कुछ वैसा ही है, बस कलर्स जो है इसके येलो वाइट, रेड वाइट, ब्लू वाइट और एक कलर, एक हाँ कलर पर्पल भी है और एक ऑल ब्लैक जो फुल ब्लैक में होगा। तो ब्लैक तो अपना फेवरेट कलर है ही, ब्लैक के लिए तो मुझे लगता है पर्सनली कि काफी अच्छी मॉडिफिकेशंस मतलब बंदा कर सकता है, एक माइनर चीजें भी करेगा ना तो बहुत अच्छी मॉडिफाइड हो जाएगी गाड़ी, मतलब व्यू के हिसाब से ऐसे इंजन तो उसके कुछ अलग से होता है। अच्छा बता देता हूँ, ड्यूअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है हमारे पास। ओह मैं भी सेम ही है। अच्छा पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल सेम, एलईडी टेल लाइट है, सब कुछ है और डीआरएस भी है, डीआरएस भी है, डीआरएस तो हाँ बिल्कुल है भाई हमारे पास। तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत टक्कर में आने वाले, बस प्राइसिंग का हो सकता है, जैसे अपनी आरसी जो है 2.48 लाख की है। ओके फिर तो बहुत ज्यादा है, एज उस हिसाब से देखा जा सकता है कि उसकी प्राइसिंग में कितना होगा, अभी शायद लॉन्च नहीं हुई है तो उस हिसाब से प्राइसिंग बता सकता हूँ। एक्सपेक्टेड प्राइस जो है ABS ABS वर्जन जो रहेगा उसकी रहेगी 1.75 लाख, और जो नॉन ABS रहेगा वो रहेगी 1.55 या 60 लाख के अराउंड रहेगा। अभी ये एक्सपेक्टेड जो जो लेटेस्ट नॉर्म के हिसाब से अभी तो शायद ये कहा गया है कि जो 150 cc से ऊपर बाइक होगी उसके अंदर ABS होना शायद कंपलसरी है, तो बिना ABS के तो लॉन्च होगी नहीं है बाइक। हाँ तभी ये एक्सपेक्टेड ही प्राइस है, कि अभी ये कह सकते हैं कि ABS ही रखेंगे माइट बी वर्जन, क्योंकि ये जब मतलब मैंने इनको निकाली है तो उसमें इंटरनेट पे भी काफ़ी टाइम का ही अपलोडेड होगा आई थिंक, तो मुझे भी यही लग रहा था पर्सनली जब मैं खुद ये चेक कर रहा था तो, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं होप फॉर द बेस्ट क्या ही होता है। SS 400 से काफ़ी सबको बहुत उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो हाँ एक और चीज़ मैं सभी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर सबको बता देना चाहता हूँ, बहुत टाइम से मतलब मैं चाह रहा था कि इसके बारे में बोलना, एक थैंक यू जेस्चर है बस मेरी तरफ से एक बहुत बड़े यूट्यूबर को जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अच्छे लगते हैं और भी यूट्यूबर्स हैं जो मुझे पसंद है, उनमें से JS Films है, Turbo Extreme है, बीबी की वाइंस है, तो लेकिन ब्लॉगिंग में JS Films, जट प्रभजोत और अपना टर्बो एक्सट्रीम है, ये पर्सनली तीनों फेवरेट है, बहुत मोटिवेटिंग यूट्यूबर्स है। लेकिन हमने मैं जैसा आपको पता ही है जिनको हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी बहुत सब यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम सबका नहीं लूँगा, तो मैंने कुछ यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी थी, उनमें से एक थे टर्बो एक्सट्रीम जिनका बहुत इंस्टेंट रिप्लाई आया था हमें, और विद इन अ नाइट, मतलब फॉर सपोज अगर मैं आज रात को उन्हें मेल करा था मैंने रात को और मॉर्निंग में मुझे उनका रिवर्ट बैक आ गया था और मैं बहुत खुश हुआ था, और मतलब ऐसा था कि मैं उनसे ना कुछ सजेशंस लेना चाह रहा था YouTube के बारे में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके हेल्प करा, इट्स रियली अ गुड जेस्चर कि उन्होंने हेल्प करा हमें, तो बस यही कहना चाहूँगा, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने ऐसे हेल्प करी, इन फ्यूचर अगर हम भी कभी ऐसे कुछ कर पाए किसी के लिए भी डेफिनेटली हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। यस और हम लोग अभी भी हम आपसे बस यही मांगना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को, और बिल्कुल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारा वीडियो जो है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अभी हम मैं देख रहा था कि हमारे जितने भी मतलब
व्यूज आ रहे हैं वो बिल्कुल नॉट सब्सक्राइब से आ रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स है सिर्फ 18% देख रहे हैं, और जो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी ये नोटिस करा है। यस लॉकडाउन है, हम अलग अलग है, लेकिन काम पूरा चल रहा है भाई आप सब लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम रुक गए। हाँ ये हो चुका है, बस एक चीज हो चुकी है कि राइड्स हमारी जितनी भी थी वो सब रुक गई हैं, जो प्लान्स थे आगे के वो सब रोक दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और अभी इसके अलावा हमने करना ही पड़ा। और बाकी जो काम है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमारे चैनल के जॉनर से आप कुछ भी चाहते हैं उस टाइप की चीज़, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा SS400 या RC390 के बारे में वो ज़रूर बताइए। और जैसा कि भाई ने आपको बताया कि हमने जैसा कि चेक किया, नॉट सब्सक्राइब जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे उनसे ही हमें ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। लेटेस्ट कुछ वीडियोज़ की बात करूँ तो सिर्फ नॉट सब्सक्राइब वाले व्यूअर्स ही ज़्यादा व्यू दे पा रहे हैं हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज है, लेकिन पुरानी वीडियो जितनी है उसमें जितने भी व्यूज़ हैं वो सारे सब्सक्राइब व्यूअर्स से ही मिले हमें। तो बस यही कहूँगा आपसे, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छा कंटेंट देखने के लिए और अच्छी वीडियोज़ के लिए। और हर वीडियो के साथ ये भी कहूँगा हम अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं, आपकी सजेशन मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं आप क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं हमसे रिलेटेड। और क्या अभी हम लोग आई बटन में भी एक हम एक लिंक डालने वाले कि अभी वहां पे एक पोल डालने वाले कि आप नेक्स्ट वीडियो किस बात पे चाहेंगे, आप प्लीज हमें बताइए, हम लोग आपसे सजेशन चाहते हैं कि आप हमें बताएं, हम लोग वीडियो बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक सबसे पहले तो बस लाइक, उसके बाद शेयर, उसके बाद सब्सक्राइब, और हाँ कैरी भाई से पंगा मत लेना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, चलो फिर ओके गुड बाय।